स्टैंडर्ड हमारे रेस्टोरों का घट नहीं जाएगा? तुम लोग मुंह उठा के चले आते हो ना? कपड़े देखे हमने, अपना हुलिया देखा? यहाँ पर चली आई हो खाना खाने, शर्म नहीं आई तुझे? मैं भी किस बेवकूफ गरीब फटीचर से बात कर रही हूँ? तुम्हारे घर में जो टैप में से पानी आता है ना, वैसा पानी नहीं है। तुम अफोर्ड भी कर सकती हो, है तुम्हारी औकात इतनी? बड़ी ढीठ है तू, ऐसे नहीं मानी। रुक, ठीक है, तरीका निकल यहाँ से, चल। बहन जी, तू यहाँ क्या करने आई है? क्या करने आई हूँ मतलब, मैम ये रेस्टोरेंट है तो खाना ही खाने आऊंगी। मैं अपने भाई के साथ खाना खाने आई हूँ। अच्छा, तो बहन जी अपने भैया के साथ आई है? मुझे तो लगा यहाँ पे बर्तन मांजने आई है। तुम जैसे लोग भी यहाँ पे खाना खाने आएंगे तो स्टैंडर्ड हमारे रेस्टोरेंट का घट नहीं जाएगा? तुम लोग मुंह उठा के चले आते हो ना, तुम्हें कुछ होश तो होती नहीं। कपड़े देखे हमने, अपना हुलिया देखा? यहाँ पर चली आई हो खाना खाने, शर्म नहीं आई तुझे? मैं तो कहती हूँ मेरा वो गार्ड कहाँ है? बदतमीज सोया रहता है कि अफीम खा के, जो इन जैसे लोगों को अंदर एंट्री दे देता है। उसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तुझसे निपट लो। मैम, आपके रेस्टोरेंट में ऐसा भी होता है कस्टमर के साथ? अबे ओ, यहाँ जो वाटर भी मिलता है ना, नॉर्मल नहीं होता, अल्कलाइन वाटर। लाइक वाटर का नाम सुना है? उसका स्टार्टिंग प्राइस ना 500 से है। मैं भी किस बेवकूफ गरीब फटीचर से बात कर रही हूँ? तुम्हारे घर में जो टैप में से पानी आता है ना, वैसा पानी नहीं है। तुम अफोर्ड भी कर सकती हो, है तुम्हारी औकात इतनी? बातें कर रही हो इतनी बड़ी बड़ी। मैम, आप बिना जाने पहचाने किसी को कैसे जज कर सकते हो? बात में तो दम है, जान पहचान तो मुझे तुमसे बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे जरूरत है ना अपने घर में काम वाली बाइक, लो बजट वाली। हमें काम वाली बाइक मिलेगी कहाँ? तो जैसे, अरे इतनी अच्छी सैलरी दूंगी तो यहाँ बैठ के इजीली अफोर्ड भी कर सकेगी कोई भी फूड। बढ़िया, मुझे जान पहचान करनी भी नहीं है तुम जैसे लोगों से। अबे ओ भिखारन, क्या बहन जी बन के आई है? तुम्हें किसी ने अकल नहीं दी हाँ कि रेस्टोरेंट में आने के लिए अच्छे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, स्टाइलिश? बढ़िया ही फैशन डिजाइनर, इंडो वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन दिखा के तुम मुझे इम्प्रेस करेगी, मेरे जैसे मॉडल बनेगी, सपने में भी नहीं बन सकती। मेरी बात खड़ी हो यहाँ से, तुम जैसे गरीब फटीचर भिखारी भैंजी टाइप लोगों के लिए ना बाहर ढाबे भी खाना है तुम वही खा सकती हो, पर तुम जैसे को बता कौन देता है कि यहाँ चले आओ? हाँ, क्या वो देख रही है मेरा? खड़ी हो यहाँ से, चल निकल यहाँ से। बड़ी ढीठ है तू, ऐसे नहीं माने। रुक, मैम ठीक है, तरीका निकल यहाँ से, चल। मैम ये क्या कर रहे हो आप? ये मुझसे पूछने वाले तुम कौन होते हो? दी क्या हुआ, ये हमसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं भाई, बस ये जज कर रही हैं कि मैं सूट सलवार में आई हूँ तो मैं गरीब हूँ। औकात की बात कर रही हैं तो भाई आप बता दो कि आपकी क्या हैसियत है। दी, हम अपने मुँह से अपनी तारीफ करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, और अगर यहाँ बैठना इस रेस्टोरेंट के शोभा के खिलाफ है तो हम यहाँ से चलते हैं। यही अच्छा होगा तुम दोनों के लिए, चलो निकलो यहाँ से। बड़े आए मुझे सिखा रहे हैं। ठीक है मैम, हम चलते हैं यहाँ से। अरे सर, आप दोनों यहाँ पे, हमारे रेस्टोरेंट के तो भाग्य ही खुल गया, आप दोनों आ गए यहाँ पे। क्या हुआ सर, आप बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हो, स्ट्रेस लग रहे हो? नहीं, आए तो हम यहाँ पे खाना खाने ही थे, बट शायद आपके लोग और आपके स्टाफ को मेरी बहन और मेरा पहनावा पसंद नहीं आया, तो इस वजह से अब हम जा रहे हैं। पहनावा? क्या बुराई आपके पहनावे में? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कितना अच्छा आपने वियर कर रखा है, आप इंडो और वेस्टर्न दोनों को मिला के इतना अच्छा आपका कॉम्बिनेशन बनाया, इवन ये तो ट्रेंड बन सकता है। और आपका पहनावा मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वैसे कौन से स्टाफ ने आपसे क्या बदतमीजी की है सर? नहीं नहीं दीक्षा, इसने क्या कहा वो सब छोड़ो, पर काश आपकी जैसी सोच आपकी मैनेजर की भी होती, पर कोई बात नहीं दी चलिए। सर आप क्यों नहीं जाओगे, आप तो हमारे कस्टमर और आप इतने अच्छे जान पहचान में हो मेरे। रजनी, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं, और क्या बिहेव किया है तुमने इन दोनों के साथ? बेवकूफ लड़की, तुम्हें पता भी है ये कौन है? इतने बड़े बिजनेस टाइकून है ये, इवन हमें जब भी फ्रेंड्स की नीड होती है ना, सर के पास जाते हैं हम दौड़कर, और तुम
हमारे रेस्टोरेंट बंद करवाओगी क्या? ये हमारे रेस्टोरेंट में आ गए ना, वही बहुत बड़ी बात है। इनका भड़कपन है कि इतने छोटे से रेस्टोरेंट में आ गए और खा रहे हैं। पर तुम बेवकूफ, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुमने इनकी बेइज्जती की है। मैम सॉरी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप कोई बात नहीं दिखा, हमारे रेस्टोरेंट से अपना कोई रिश्ता खराब मत करना। रिश्ता खराब दिखा, आप सॉरी मत बोलिए। सॉरी बोलने की कोई नीडी है, क्योंकि हम दोनों भाई बहन सिर्फ आपकी नेचर की वजह से आपके रेस्टोरेंट में आए थे। हमारे पास तो बहुत सारा ऑप्शन है खाना खाने का। खाना खाना तो हम दोनों का एक बहाना था। रेस्टोरेंट में भी जा ही सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो ना, कि बस हम दोनों का मिलने का दिल कर रहा था। तो सोचे कि आपके तो हमें लगा कि बस आपके रेस्टोरेंट में आके आपसे मिल भी लेंगे और खाना भी खा लेंगे। थैंक यू मैम। देखो ये होता है तरीका बात करने का, तो मैं फायर कर रही हूँ अभी। गेट लॉस्ट राइट नाउ। दीक्षा ये क्या कर रहे हो? मैम सो प्लीज इधर आइए। जी सर। दीक्षा तुम मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो ना, और मेरी बहन की भी। यस प्लीज अगर तुम हमारी रिस्पेक्ट करते हो तो हमारी एक बात मान लो। दीदी आप बोलिए। दीक्षा आप हम दोनों की तो बहुत रिस्पेक्ट करते हो, इवन आप तो मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो। उसके खातिर आप अपनी मैनेजर को माफ कर दो। हाँ दी आप सही कह रहे हैं, गलती तो इनसे हुई है, बट फिर भी हमारे कहने पर इन्हें एक आखिरी मौका दे दीजिए। ओके सर। देखा ये होती वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना तो अपना रेजिग्नेशन लेटर पकड़ के निकल जाना। और देखा तुमने जिनकी तुम बुराई कर रही थी, बेइज्जती कर रही थी, वही लोगों ने तुम्हारी आज जॉब बचा ली। चलो जाओ, कल से अपने जॉब पे आ जाना। अभी तो अपनी शक्ल पकड़ के निकलो यहाँ से।